गुलाबी नगरी के वास्तुशास्त्र, कला और संस्कृति का देश में नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बजता है। गुलाबी नगरी के विकास गाथा में अब एक और बड़ा प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है। पिंक सिटी को 3 जून 2015 को मेट्रो की पहली सौगात मिली थी और शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो का फेज 1, जिसे पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था। सीएम वसुंधरा राजे ने मेट्रो के फेज 1 को हरी झंडी दी थी, लेकिन अब मेट्रो के फेज 1 पार्ट बी की शुरुआत होने जा रही है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ने वाली मेट्रो का निर्माण परकोट में भूमिगत किया गया है। जमीन से करीब 2 मंजिला नीचे मेट्रो के फेज 1 पार्ट बी की शुरुआत की गई है। जयपुर वासियों को खुश करने के लिए इस बार मेट्रो फेज 1 पार्ट बी ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। आइए अब आपको प्लेटफॉर्म का नजारा भी दिखाते हैं, जहां पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। जयपुर मेट्रो ने अपनाया आइलैंड पैटर्न। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ आइलैंड पैटर्न पर बनाए गए। चांदपोल से अलग डिजाइन में बनाए गए स्टेशन। 3 जून 2015 को मिली थी जयपुर को पहली मेट्रो की सौगात। जमीन से करीब 2 मंजिला नीचे मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार। मेट्रो के आने जाने के लिए बनाई गई अलग अलग 2 मंजिला मेट्रो टनल। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी के साथ दी गई है आपातकालीन सुविधा। हालांकि छोटी चौपड़ की बनावट को चकोर से गोल किए जाने का विरोध भी देखने को मिला था। एक विरोध ये भी उठा था कि मेट्रो निर्माण में ऐतिहासिक धरोहर और वास्तुशास्त्र के साथ छेड़छाड़ की गई है, और कई वास्तुशास्त्री ये मानते हैं कि चौपड़ का स्वरूप गोल करने से जयपुर पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मेट्रो निर्माण में बाधित रहे रास्ते को लेकर व्यापारी कई बार आवाज भी उठाते रहे हैं, लेकिन मेट्रो के शुरू होने पर जयपुर के व्यापारी वर्ग ने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। मेट्रो का व्यापार में बहुत अच्छा इफेक्ट आने की उम्मीद है। इसको प्रोजेक्ट को जरूर 6.5 साल हो गए हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट 3.5 साल में पूरा होने का था, लेकिन डिले जरूर हुआ है। लेकिन व्यापारी को उम्मीद है कि इससे हमारा व्यापार काफ़ी बढ़ेगा, और बाहर का जो परकोटे के बाहर का व्यापारी और जनता है वो परकोटे में आने की कोशिश करेगी, और व्यापार में बढ़ोतरी के उम्मीद से हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सहयोग किया है और व्यापारी का पूरा सहयोग रहा है अब तक आज तक इसका। मेट्रो नो डाउट कि एक अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। शहर के विस्तार को देखते हुए, शहर की जनसंख्या के विस्तार को देखते हुए ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी कार्य था जो सरकार करा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो टाइम मेट्रो वालों ने दिया था व्यापारियों को, उससे बहुत लंबा टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, जिससे हर व्यापारी परेशान है, हर व्यापारी का धंधा खराब हो रहा है। मेट्रो वालों को चाहिए कि तुरंत युद्ध स्तर पर इस कार्य को पूरा करके और इस कार्य को पूरा करावे, और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह का प्रोजेक्ट ये बना है मेट्रो द्वारा या सरकार द्वारा, इसको मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है। काम तो सही चल रहा है, लोगों का सही से ही है, बस ये टैक्सी वगैरह इन सबका अगर कुछ हो जाए तो बढ़िया ही है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वो भी अच्छा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन लोगों को इस्तेमाल करें तो भी अच्छा ही है, उससे भी सुविधा बढ़ती है। आज जयपुर की रियासत को उठा के देख ले जाए तो आज से कुछ 4 या 5 साल पहले इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि मेट्रो बनेगी तो जयपुर बिगड़ जाएगा। आज उसी संदर्भ में आप देखो चारों तरफ कि जयपुर वैसा का वैसा ही है। अगर पीछे देखा जाए तो ना तो चौपड़ का कोई प्रारूप बिगड़ा, ना किसी दुकान का कोई प्रारूप बिगड़ा। ये भ्रांति उस लोगों के लिए भी है कि जो कहते हैं कि साहब मेट्रो चलने से जयपुर की विरासत को नुकसान होगा, तो सबसे पहला तो एक ये विरोधाभास आपके सामने है कि मेट्रो की वजह से जयपुर में कोई फर्क नहीं आया। फिलहाल अगले महीने यानी मार्च में सरकार मेट्रो के फेज 1 पार्ट बी को शुरू कर सकती है। हालांकि मेट्रो की नई सौगात जयपुर की जनता को कितना रास आती है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी बड़ी बात होगी कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर परकोटे के नीचे मेट्रो चलाना क्या उन सभी बाधाओं को दूर कर पाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मेट्रो से परकोट के ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ की गई है। नवतेज टीवी के लिए विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।